अच्छा सर, आज हम लोगों ने कर्सर्स को स्टार्ट करना है। कर्सर्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब हमें डाटा चाहिए होता है किसी जगह पे, हम कर्सर्स के लिए के साथ इजीली हम उसको फेच करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। किस तरह से करते हैं हम ये बात करते हैं, लेकिन पहले देख ले, कर्सर दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक को कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर्स और दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर्स। कहते हैं कि इम्प्लिसिट कर्सर्स कौन से कर्सर्स होते हैं? कहते हैं वो कर्सर्स जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और एक्चुअल सर्वर्स खुद ही इनको क्रिएट करते हैं, यूजर का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ऑटोमेटिक कब होते हैं? कहते हैं जब भी कोई आप एसक्यूएल या पीएल एसक्यूएल का कोई कोड चलाते हो जो उसके नीचे डेटा आता है। जैसे मतलब अगर आप कोई भी एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हो, सिलेक्ट क्वेरी फ्रॉम एम्प्लॉई, तो उसके नीचे उसका डेटा आ जाता है। वो जो रोज आपके सामने शो होती है, वो कहता है कि वो डेटा किस तरह से आता है। वो बेसिकली इम्प्लिसिट कर्सर्स बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं और उसके जरिए वो आपको डेटा डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है। कहता है एज लॉन्ग एज एन इम्प्लिसिट कर्सर डजंट एग्जिस्ट फॉर द, कहता है कि उस वक्त तक ये नहीं चलेगा जब तक आप एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं करोगे। जैसे कि आप एसक्यूएल की स्टेटमेंट पुट करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, वो चल जाएगा इम्प्लिसिट कर्सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लिसिट कर्सर के ऊपर यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये तब चलता है जब हम लोग एसक्यूएल वगैरह की स्टेटमेंट चलाते हैं ना, तो जो उसका डेटा रिजल्ट हमारे पास शो होता है बैकग्राउंड पे इम्प्लिसिट कर्सर चल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। कहता है एक्सप्लिसिट कर्सर वो वाले कर्सर है, कहता है वो यूजर डिफाइंड कर्सर है। मतलब यूजर का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। यूजर अपनी मर्जी से इन कर्सर को अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी की शेप में डाल सकता है, जब मर्जी अपनी, कह लो कि ये कर्सर इधर से ये काम करे फिर ये करे, ये अपनी मर्जी से यूजर कंट्रोल कर सकता है, जबकि इम्प्लिसिट पे ये काम वो नहीं कर सकता। कहता है एक्सप्लिसिट कर्सर जो है उसके बनाने के ये चार बेसिकली स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको कर्सर को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने के बाद जब वो डिक्लेयर हो जाता है, उसको कर्सर इज जस्ट लाइक एक बाल्टी, उस बाल्टी को ओपन करना पड़ता है ताकि उसके अंदर से फिर डाटा को फेच कर सके। और जब डाटा हम फेच कर देते हैं तो देन हम उसको क्लोज कर देते हैं। ये चार स्टेप्स हमारे पास कर्सर करते हैं। डिक्लेयर के स्टेट में वो कहता है, डिक्लेयर करना का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आप कर्सर को इनिशियलाइज करो। मतलब जब आप कर्सर को डिक्लेयर कर देते हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको बताते हो कि इसके अंदर ये वाला डाटा होगा। मतलब अगर आप कर्सर अभी हम आगे जाके बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसमें हम एक सिलेक्ट की स्टेटमेंट देते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट में डाटा आएगा ना, ये मेरे कर्सर के डाटा होगा, इसको डिक्लेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स बड़ा आसान है। आप उसको क्या कहते हो? आप कहते हो कर्सर, कर्सर का नेम, कर्सर बेसिकली एक कीवर्ड है। आप लिखते हो कर्सर और फिर उसके बाद आप ये कहते हो नेक्स्ट, फिर कहते हो कर्सर का नाम। और कर्सर के नाम के बाद हम कहते हैं इज का आपको कीवर्ड लिखना पड़ता है। और ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है, आप कोई भी यहाँ पे जो भी डाटा यहाँ पे दोगे, जैसे आप कहते हो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये एम्प्लॉई की ई नेम वाला आपने डाटा सिलेक्ट किया। इसका मतलब है आप चाहते हो ये जो कर्सर आप यहाँ पे बना रहे हो, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी नाम, उसके अंदर ई नेम का डाटा आना चाहिए, वो आएगा, ये आप उसको बता रहे हो, डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज कर रहे हो बेसिकली कर्सर को। कहता है जब कर्सर इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद आपको अगर आप चाहते हो काम करने लग जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही कहता है कि आप उसको ओपन करोगे, मेमोरी में उसको जगह एलोकेट हो जाएगी कि भाईजान अब इसने यूज करना है, तो उसने ओपन किया, हम उसको जगह दे देते हैं। ओपन करने का सिंटेक्स बड़ा आसान है। आपको जस्ट लिखना है ओपन और कर्सर का नेम। लेट से आपने पहले कर्सर का नेम एबीसी डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे ओपन करके आपको कहना पड़ेगा ओपन एबीसी। कहते हैं फेच क्या है? जब आपका कर्सर ओपन हो गया, आपने वो बाल्टी का ढक्कन खोल लिया, तो कहता है द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द कर्सर इज कॉल्ड फेचिंग। क्या वो बाल्टी में से वो जो पानी या वो जो भी चीज आप निकालना चाहते हैं, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस को हम फेचिंग कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं फेच करने का तो बड़ा आसान तरीका है। कहते हैं आप फेच कर सकते हो क्या कर्सर के नाम को, और इनटू कहाँ पे डाल दो, पी एल एसक्यूएल वेरिएबल्स में डाल सकते हो, रिकॉर्ड्स में डाल सकते हो। अभी हमने रिकॉर्ड्स पढ़े नहीं है, हम ऊपर हुई लाइन पे फोकस करते हैं कि फेच कर दो कर्सर के नाम को और डाल दो इसको कहाँ पे, पी एल एसक्यूएल वेरिएबल में। तो इसका मतलब है मैं फेच करना चाहता हूँ एबीसी, कर्सर का मेरा नाम है
और इनको जो भी मैंने ऊपर डिक्लेयर किए है वेरिएबल है उसके अंदर मैं वैल्यूज को पुट करवाना चाह रहा हूँ। और जब मैंने वैल्यूज ले ली देन कहता है कि जब आपने काम अपना कर लिया है तो जो रिसोर्सेज उसने लिए हुए हैं उससे वापस लेने के लिए आपको कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा। तो उसका सिंटैक्स बड़ा आसान है, आप कहते हो क्लोज कर्सर का नाम, जैसे क्लोज एबीसी। लास्ट में कहता है कि ये पूरा एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनता है, डिक्लेयर करते हो कर्सर, कर्सर के नाम से सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, फिर बिगिन करने के बाद एक दफा ओपन करते हो, डाटा फेच करके वेरिएबल में डाल लेते हो और उसके बाद आप कर्सर को क्लोज कर देते हो। इसकी एक एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक वी अंडरस्कोर नेम का क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया और एक कर्सर बनाया, कर्सर का नाम है CUR अंडरस्कोर M, ठीक है, हमने CUR अंडरस्कोर M का कर्सर बना लिया, इस कर्सर का नाम है, एक कर्सर का कीवर्ड है। मैंने कहा सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, मैं कहता हूँ जिस जिस की जॉब क्लर्क है वो मुझे सारे ई नेम चाहिए। तो ये जो डाटा मैं लेके आ रहा हूँ मैं बेसिकली इस कर्सर के ऊपर इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि इस कर्सर के अंदर ये वाला डाटा होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई जान बिगिन कर दो इसको, और अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्सर को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ ओपन कर्सर का नाम, और जैसे ही मैं ओपन कर्सर का नाम करता हूँ तो कहता है कि डाटा क्योंकि मल्टीपल रोज के अंदर है, मतलब क्लर्क 5-7 भी हो सकते हैं, तो कहता है उसको अगर आपने एग्जीक्यूट कराना है तो लूप चलानी पड़ेगी क्योंकि डाटा मल्टीपल रोज में है। तो मैं कहता हूँ लूप चलाओ और फेच कर दो डाटा को, क्या करो डाटा को फेच करो, किस वाले डाटा को, ये जो कर्सर के अंदर ये डाटा है उसको, और किस में डाल दो, ये जो ऊपर वेरिएबल बनाया है उसके अंदर डाल दो और मुझे इसको शो करवा दो, ठीक है, ये डाटा शो कराएगा। और मैं कहता हूँ ये तुमने बंद कब करना है, ये लूप को तुमने बंद कब करना है, मैं कहता हूँ कि एग्जिट व्हेन, जब भी कर्सर में परसेंटेज नॉट फाउंड एक एट्रीब्यूट है इसका, कहता है कि जब भी कर्सर में डाटा खत्म हो जाए तो तुम इसको एंड कर देना और बाद में कर्सर को क्लोज कर देना और एंड करना तो आपको ये वाला डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बेसिक एग्जाम्पल थी इसकी, हम लोग थोड़ी सी PL SQL में यही वाली सेम एग्जाम्पल अगर करके देख लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ PL SQL डेवलपर पे जाते हैं, हाँ जी नजर आ रहे हैं PL SQL डेवलपर जी, तो मैं क्या करने लगा, एक कर्सर बनाने लगा हूँ आपके सामने। मैं कहता हूँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेट्स से एक मैं कर्सर बना रहा हूँ CUR SOR कर्सर का कीवर्ड, देन कर्सर का नाम लेट्स से मैं कहता हूँ C_ एम्प्लॉई का बना रहा हूँ और इज का कीवर्ड, देन मैं एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट करनी है मैंने ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई के टेबल से, ठीक है, और मैं कहता हूँ वेयर जिसका जो जॉब है वो हो जाए मैनेजर, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बिगिन करते हैं और एंड, वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है अपना वो लिख रहे हैं, और इसके अंदर हम कहते हैं आप उस कर्सर को क्या कर लो, ओपन कर दो, ओपन करता हूँ कर्सर का नाम हमने C_M रखा है, तो मैं कहता हूँ ओपन कर दो C_M। तो ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने कहा लूप चलाना है। अच्छा लूप चलाने की रीजन है क्योंकि मैनेजर एक से ज्यादा है, तो एक दफा इटरेशन में पहला मैनेजर आएगा, सेकंड, थर्ड, तो ये इस तरह से आपके सामने शो होगा। तो मैं कहता हूँ लूप चला दो और मैं कहता हूँ फेच कर दो, फेच क्या करना है, आपने फेच करना है कर्सर का नाम जो कि क्या है C_M, और इसको डाल दो, जो डाटा आएगा इसका इसको डालना है आपने एक वेरिएबल के। तो मैं कहता हूँ वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, ऊपर जाके एक नेम के नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, नेम उसकी डेटा टाइप होगी वारचार 220, और मैं कहता हूँ तुम जो ये इसके अंदर से लेके आ रहे हो ई नेम उसको तुम पुट कर दो इस वाले नेम के वेरिएबल के अंदर जो मैंने अभी ऊपर बनाया, ठीक है। और मैं कहता हूँ DBMS_ output.put_line, और यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि ये जो अपना वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, नेम रखा है, तो मैं कहता हूँ ये नेम को तुम डिस्प्ले करवा दो, ठीक है, जैसे ये नेम डिस्प्ले होगा। और मैं कहता हूँ कि ये लूप जो है ये बंद कब होनी चाहिए, मैं कहता हूँ एग्जिट व्हेन, बंद तुम करो जब ये जो C_M का मैंने एक कर्सर बनाया है इसमें परसेंटेज नॉट फाउंड का मतलब है कि जब इसके अंदर डेटा खत्म हो जाए तो तुम क्या करना,
इस लूप को एग्जिट कर देना। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड लूप, उसके बाद मैं कहता हूँ कर्सर को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो सी अंडरस्कोर एम को, और लास्ट पे मैं कहता हूँ इसको तो एंड मैंने किया ही है। ठीक है, अगर हम इस वाले कोड को चला के देखते हैं तो ये कोड ठीक से चल गया है, इधर जाके देखते हैं तो मेरे पास ये वाले सारे क्या आ गए हैं, मैनेजर्स आ गए। ठीक है जी, तो ये बेसिक मैंने भी आपको बताया कि आपका कर्सर क्या होता है। अब हम इसको यूज करते हो जो मैंने एसएमएस वाला काम का है, अभी हम नेक्स्ट पे वो करने लगे।